जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। यह जानकारी उन लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि कई लोगों ने इस बारे में मेरे से पूछा था कि हम लाख बार मंत्र का जाप करके प्रयोग करते हैं, फिर भी यह कार्य नहीं करता है। साथ ही साथ कई लोगों का कहना है कि लोग पहले जो शक्ति उन्होंने साधना किया था, साध के रखा था, वह शक्ति पहले काम करता था, वह जो है अब कार्य नहीं करता है। और कई तरह से है, मंत्र है वो सिद्ध करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं होता है। तो आप लोग क्या लाख बार लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस विधि नियम से आपने उसको फिर से जागृत करने का, इस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया, कहीं आप लोग उन लोगों में शामिल तो नहीं है? क्या आपने बार बार मंत्र को प्रयोग करके देखा है? क्या आप बार बार सिद्ध करके थक गए हैं? क्या आप उन शक्तियों को आवाहन करके जागृत करने की कोशिश की लेकिन वो जागृत नहीं हो रहा है? क्या आप अनेक प्रकार के मंत्र विधान सिद्धि करके रख चुके हैं? क्या आप विशिष्ट विशिष्ट साधना कर लिए हैं फिर भी वो मंत्र जागृत नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है? तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र और गुरुमुखी मंत्र आप लोग के समक्ष मैं लाया हूं, जो कि आपके यदि कोई शक्ति बंधित हुआ है, पहले मंत्र कार्य करते थे अब कार्य नहीं करता है, और वह शक्ति यह प्रयोग से वो चलने लगेगा, आप देख करके समझ नहीं पाएंगे कि कैसे खुल गया। आपके लाखों मंत्र प्रयास करने के बाद में नहीं चल रहा है, तब वह जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिय साधकों, दर्शक, आज आप लोगों के लिए ग्रामीण में से ऐसा एक अमोघ मंत्र लेके आया हूं, जिसको प्रयोग करने के बाद यदि आपका शक्ति पहले चलता था अब नहीं चल रहा, तो आप यह प्रयोग करके देखिए तुरंत चलने लगेगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको याद करके मात्र चलाने से ही तुरंत तक्षण कार्य करेगा। साथ ही साथ बड़ी से बड़ी कोई भी शक्ति हो, चाहे वह तामसिक हो या सात्विक हो या अघड़ विद्या हो, या कोई मंत्र सिद्धि नहीं हो रहा है बार बार करने से, तो इस प्रयोग से वह बिल्कुल चलने लगेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों को यह वीडियो पता चले, उनको यह जानकारी पता चले, ताकि उनका लाभ आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी उठा सकें। चलो बात करते हैं मंत्र कौन सी है और उसका विधान क्या है। दोस्तों, कोई भी मंत्र हो, यदि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो, तब आप इस मंत्र को पहले पढ़ लें, इसको तीन बार पढ़ना है। तीन बार पढ़ने के बाद में आप जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को पढ़ेंगे तो चैतन्य हो जाएगा। यदि कोई शक्ति आप पहले चलाते थे वो कार्य नहीं कर रहा है, तब आप इस मंत्र को, इस विधान को कर लीजिएगा, उसके बाद में उस शक्ति, उस मंत्र का वाहन करेंगे तो वह उस समय जागृत हो जाएगा। बंधन में हो, कोई किसी ने बंधन कर दिया है तो भी वो कट जाएगा और उसके बाद में यह चलने लगेगा। साथ ही साथ जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो अधिक बार सिद्ध करना पड़ता है, तो इस मंत्र के द्वारा से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ग्रामीण में हम लोग के गुरु जी, इनके बारे में कई बार समझाया था, बताया था, एक बात है कि ग्रामीण वाले तुरंत मंत्र पढ़ते हैं, तुरंत कैसे सिद्ध हो जाता है, जिसमें वैदिक मंत्र में लाख बार, 25 लाख बार जप करके सिद्ध करना पड़ता है। क्योंकि इसमें ऐसा मंत्र होता है, विधान होता है, जिसके माध्यम से जो लाखों का जाप है उनको घटा करके 1000 में ला लिया जाता है, 1000 है उसको 100 में ला लिया, 100 में है तो 21, 21 से 1, 1 से 3, इस तरह से उसको घटाते लेते हैं। यह मंत्र और प्रभाव के कारण है। तो इस मंत्र को आपको पहले, कोई ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसको अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए आप इसको किसी भी शुभ दिन में 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। कोई से भी शुभ दिन हो सकता है, दीपावली, होली, गुरु पूजा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यदि यह दिन ना हो तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन आपको स्वच्छ कपड़ा पहन करके, नहा धोकर
आप अपने इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता को पूजा आराधना करने के बाद में, सरस्वती गुरु गुरु जी का पूजन करने के बाद में, आप इस मंत्र को आप जप करेंगे। सबसे पहले आप अगरबत्ती जला दें, वातावरण सुगंधित कर लें, उसके बैठ जाएं। बैठने के बाद में एक नारियल गुरुदेव के नाम में रख दें। उसके बाद में आपको थोड़ा सा फूल धूप जो भी आप पूजा अर्चना करना वो कर दें, उसमें आग जला लें। यदि कंडे का आग हो तो सबसे उत्तम है। वो जलाने के बाद में आपको गुगुल धूप या सराय धूप या दशांश धूप कोई भी आप मिल जाए तो आपको 21 बार मंत्र पढ़ के बस आग में डाल देना है। या आप एक एक मंत्र पढ़ के आग में डाल सकते हैं या फिर 21 बार पढ़ने के बाद में डाल दें। बस इतना कर दें तो वो बहुत ऊर्जावान हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद अधिक ज्यादा सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। यह स्वयं सिद्ध है, किसी किसी को तो याद करने से ही सिद्ध हो जाता है। बस अब इतना ही करना है। मंत्र इस प्रकार है, अगदल चलना पगदल चलना, भैरव बाबा के चूना धरना, महादेव है गुनिया बैठे, पार्वती है जुगती के, हाँक परे महादेव के, जागे सब जंतर मंतर, सिद्ध हो जाए सब शक्ति। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको जाप करके सिद्ध कर लेना है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। अब इनको प्रयोग जब भी करें, जिस समय भी करें, तो आप कोई भी मंत्र शक्ति को जला रहे हैं तो उनसे पहले इस मंत्र को जाप कर लें, वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरे एक विशेष बात, जब किसी शक्ति को यदि पहले है तो उसको जागृत करना है, तब उनका सामान जिस देवी देवता को आप सिद्ध करना चाहते हैं उनका सामग्री आप जरूर रखें। उसके इस मंत्र से उस मंत्र इस मंत्र पढ़ने के बाद उस मंत्र का वाहन करके उन सभी सामग्री को जिन देवी शक्ति को बुलाना चाहते हैं या जो भी आप सिद्धि करना चाहते हैं उनका सामान जरूर रखें। सामान रखने के बाद वहां रख दें, आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इन ग्रामीण मंत्र साधना के बारे में जानकारी हो सके और यह जनहित जन कल्याण होता रहे। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।